जुहार नुआखाई एक्सप्रेस के स्वागत करुछी मुं स्मृति लग्ना खबर मूल कर्मा मुख्य खबर केबे कम्बा संक्रमण आयज राइज नु 11,000 पॉजिटिव सुंदरगढ़ नु 983 याडे आयज थानु लॉकडाउन 2.0 जून 1 तारीख तक कटकला कोरोना लागी भूली गला रकत संपर्क बापार मोला धीके नै छुला पिला पीपी किट पिंधी किना सब सत्कार कले स्वेच्छा से बलांगीर नु आला चित्र बुला कोविड हॉस्पिटल ने अव्यवस्था रोगी के फुल इंजेक्शन दबार के चेष्टा टीका के बचला रोगी टीके के बचला रोगी पुलिस और लुकबाग भितरे झगड़ा फलक ने अच्छे गुटे ना हेले काम करुचे आउजने पुखरी काम ने श्रमिक बदले मशीन बलांगीर हीरापुर पंचायत आसला अभियोग तदंत लगी दावी आसुचि आर गोटे बात्या 22 ने बंगोपसागर ने लघुचाप संभावना 72 घंटा बाद नेबा बात्या रूप ओडिशा पश्चिमबंग ने पड़ी पारे प्रभाव पूरा खबर क्या है राइज ने लागि रही है 10,000 उपरे ट्रेन 24 घंटा ने 11,000 नुआ पॉजिटिव बाहरी 6,214 जन क्वारंटाइन केन्द्र नु बाहरी थवार बेलके 4,885 जन लोकल केस रही है खोर्धा नु जह किना 1,460 जन पॉजिटिव बाहरी छन सेंता सुंदरगढ़ नु 983 कटक नु 867 संबलपुर नु 547 आसीचे अनुगुल नु 552 मयूरभंज 507 भद्रक 431 बालेश्वर नु आसीचे जह केस जाजपुर 378 बरगढ़ 339 पुरी 365 जगतसिंहपुर 302 झारसुगुड़ा 307 आसीचे कलाहांडी 299 आसीथिबा बेले बलांगीर 288 आसीचे बोलिकिना जना पड़छे आजठानु लॉकडाउन 2.0 जून 1 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ेछन राय सरकार कोरोना संक्रमण चेन भांगवा लगे एंता गुटे चेष्टा करा जाइछे आ लॉकडाउन के बढ़े दिया जाइछे इथर कटकना आहुरी बेसी रहूछे लॉकडाउन ने सकाल 7 बजा नु 11 बजे तक 4 घंटा न जरूरी सामान खिनबा लगे अपन जाई पारबे आर चालतेल जिबा लगे अनुमति दिया जाइछे ई समय ने लोक माने पइन परिवार आर जरूरी सामान घिनी पारबे आघो ई सकाल 6 बजा नु 12 बजा तक समय थिला जरूरी सामान घिनबा लगी यहादे परिवर्तन करा जाइछे एबेका 6 घंटा बदले 4 घंटा करा जाइछे लोक माने चली चली जाउछन आर निजर सामान घिनिकिना घर के आउछन ई बाबत ने अधिका सूचना लगी संबलपुर प्रतिनिधि मलय भोई आर बरगढ़ प्रतिनिधि मनीष शर्मा मोर संगे जुड़ी होइछन पहला संबलपुर प्रतिनिधि मलय भोईकर पाके जिबार के चाहिमे संबलपुर ने केनता हालत रहिछे मलय देखुन सूची लगना जेनटा कि गला केल और आज सकाल 6 बजे नु जेन पहला करी जेन लॉकडाउन थिला तार टाइम सर थिला और एज नु दुई नंबर फेज लॉकडाउन आरंभ हिचे जेन थिन कि जेन कटकणा थिला सरकार का ताके कड़ाकड़ी करिछन सरकार जे गला केल से घोषणा करथिले आज सकाल 7 नु दिनर 11 बजे तक दुकान बाजार जेनटा कि दरकार दरकारी दुकान बाजार खोलवार के कहिथिले और ई टाइम के भी पाखापाखि 4 घंटा खोलीथिला ई टाइम के भी देखिछुले आमे लोक आघर भलिया बुला किंद्रा कलुले आघर भलिया अमान्या हतार भील देखवा के मिलुला कहले कि यहादे भी गोटे पटे कोरोना जिन लोक जिन कोरोना छीबाटा कमबा नहीं एज भी संबलपुर जिला न 547 जन के कोरोना छीचे रिथिन जह कर गाँ मान के अदका कोरोना है जिन रिपोर्ट कहचे तो यहाँ देखमा गोटे प्रकार लोग भी सचेतन नहीं हेबार लोग निजे नहीं मानवाल इस सब के कटकणा के और जेनटा के आके दिन के दिन कोरोना छुईबार संख्या भी बढ़ुचे लोग मैंने कारण कहन जेन समय करा जाइछे यहाँ सकाल 7 नु 11 बजे तक से भितरे जाइकिना सामान किन पार के कहा जाइछे चलतेल जाइकिना लोग मैंने निजर सामान आनी पारबे इता के नहीं किना लोग मैंने कारण प्रतिक्रिया रखुचन संबलपुर ने
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଗ ଯେନ୍ ସରକାର 6 ଘଣ୍ଟା ଯେନ୍ ଟିକେ କଟକଣା କୋହଲ ରଖିଥିଲେ ଇ ଟାଇମ୍ କି ଲୋକ ଟିକେ ବନେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏହାଦେ କାଁ ହେଲା କି 4 ଘଣ୍ଟା ଯେନ୍ କଲେ ଇ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଏତକା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହଡ଼ବଡ଼ି ହେଲା ମାତ୍ର ହେଉଛି ଆଉ ଇ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଏତକା ଭିଡ଼ ହେବାର ବି ଦେଖବାର ମିଳୁଛି। କାଁ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ 6 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ଲୋକ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଥିଲା ଅଏତକା ଟାଇମ୍ ଯେ ଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଫ୍ରି ହେଇକି ଯାଇକି କିଣାକିଣି କରୁଥିଲେ କିଛି କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦେ ଯେନ୍ ସରକାର 4 ଘଣ୍ଟା କଲେ ଇ 4 ଘଣ୍ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ପଡ଼ୁଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲୋକକୁ ଯିବାର ହେବାରକେ ପଡ଼ୁଛି। କାଁ ହେଲା କି ସରକାର ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଘର ପାଖରେ ଥିବା 500 ମିଟର ଦୋକାନ ବଜାର ଯାଇକରି କିଣି ପାରିବେ। ଇ ଟାଇମ୍କେ ବି ଲୋକ ଲୋକ ଗୋଟେ କଡ଼ା ହେଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ କେନ୍ତା କରି କରିବେ ସେଟାକେ ନେଇକି ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ଲାଗି ତାହାକୁ ବି କଡ଼ା ହେଉଥିବାର ଯେନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ଆଉଛି, ଲୋକମାନେ କହିବାର କେବେ ବସୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ମନୀଷଙ୍କର ପାଖକେ ଫେର ଥରେ ଯିବା ଲାଗି ଚାହିଁମି। ମନୀଷ, ଯେନ୍ତାକି ବରଗଡ଼ନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁ ଗହଳିନେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସଚେତନ ନାଇଁନ, ହେଟାକେ ନେଇକିନା କାଣା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛେ? ଯେନ୍ତାକି ଟେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାଜି ହଉଛନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କାଇଁ ଯେ? ଦେଖନ୍ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯଦି ଆମେ କହେମା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇହାଦେ ବି ରେଡ଼୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛେ। ଆଜ୍ ବି ତାର୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେନ୍ ଯଦି କହେମା ଆମେ ପାଖାପାଖି 300 ନୁ ଅତ୍କା ଯେନ୍ ଲୋକ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍, କରୋନା ରୋଗୀ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ହିସାବରେ କହେମା ବେଲେ ପାଖାପାଖି 3,300ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଇହାଦେ ବି ଅଛନ୍। ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଅଧିକା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛେ ଯେ ଗାଁନୁ ଯେନ୍ମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍, ଗାଁରେ ଯେନ୍ମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍, ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାଗି ନାଇଁ ମୁଢ଼ାବାର୍, ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାଗି ନାଇଁ ଆସ୍ବାର୍, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଯେନ୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଖର ପାଖର ଲୋକ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ବି ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କେନ୍ସି ନା କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛେ। କାରଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହରମାନଙ୍କୁ କଟକଣା ଲଗାଉଛେ, ସେ ଜାଗାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛେ, ସେ ଜାଗାରେ ଫାଇନ୍ କରାହେଉଛେ, ବୋଲେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଗାରେ ମାନୁଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଅମାନିଆ ବି ହେଉଛନ୍ ସେମାନେ ବି ସାବାଡ଼ ହେଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖମା, ଗାଁକେ ଯେତେବେଳେ ଯିମା, ସବୁ ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଲାମେଲା ରହୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଛନ୍, ସେ ଜାଗାରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଇହାଦେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ମିଳୁଛେ। ଯେନ୍ଥିଲାଗି ସଂକ୍ରମିତର ସଂଖ୍ୟା ବି ଇହାଦେ କମ୍ବାର ନାଇଁ ନାଇଁ ନେବାର, ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଦେଖ୍ମା 15 ଦିନରେ ପରେ ବି ଆଜି ବି ସେଇ 300, 400, 500 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେନ୍ ଆଷ୍ଟାନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛେ, ତାହାକେ କଟକଣା ବି 7 ବଜେନୁ ନେଇକିରି 11 ବଜେ ତକ୍ କରିଦେଇଛନ୍, 4 ଘଣ୍ଟା କରାହେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ବି ଯଦି କହେମା ଅସୁବିଧା ବହୁତଟେ ରହୁଛେ, ଯେନ୍ମାନେ ଗାଁନୁ ସହରକେ ଘିନ୍ବାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। କାରଣ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗାଁନୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ମିଳିପାରବାର, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସହରକେ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ସହରରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଲିସର ହାବଡ଼େ ପଡ଼ୁଛନ୍, ତା ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନ୍ ବି ଦେଉଛନ୍। ମନୀଷ, ବରଗଡ଼ନେ ଅମାନିଆଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସବୁ ଜାଗାନେ ଯଦି ଦେଖମା, କିଛି ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍, ଆର୍ କିଛି ଲୋକ ଇଟାକେ ନାଇଁ ମାନବାର, ଯେନ୍ମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍, ପୁଲିସ ଚେକିଂ କରୁଛି କି ନାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହିସାବରେ ସବୁ ଜାଗାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯଦି ଆମେ କହେମା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତଥା ପୁଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ଯେନ୍ମାନେ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କନୁ ମାସ୍କ ବାବଦରେ କିମ୍ବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେନ୍ ନେଇକିରି ବାହାରକେ ବାହାରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ସିଜ୍ କରାହେଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କନୁ ଫାଇନ୍ ବି ଅଦା କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଲୋକେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ସଚେତନ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର୍, ଫିର୍ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଲ ଦେଖାଉଛନ୍, କିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଁରେ କହୁଛେ, କିଏ କହୁଛି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଘିନିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ, କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛେ, ଏସବୁ ବାହାନା ଦେଖେଇକିରି ଲୋକ ଯିବାର ଆସିବାର କରୁଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଆଲୋ ବି ବହୁତ ଦେଖେଇକି ସେମାନେ ଯିବାର ଆସିବାର କରୁଛନ୍। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାର ପଡ଼ବା। ଯେତେବେଳେ ତ ଲୋକ ଯିଏ ନିଜେ ସଚେତନ ନାଇଁ ହେବେ, ଏ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା, ଆପଣ ଯେତେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ବା ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ କଲେ ବି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରନୁ ମନେ ରହିଥିଲେ ପୁରା ଲକଡାଉନରେ କେନ୍ତା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ କି ନାଇଁ, ପୁଲିସ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାନେ ଚେକିଂ କରୁଛେ, କେନ୍ ଜାଗାନେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଯେନ୍ତାକି ସାମାନ ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ସକାଳ 7 ରୁ 11 ବଜେ ତକ୍ ଯାଉଛନ୍, ଚାଲତେ ଯିବାର୍କେ କୁହାଯାଇଛେ, ଆର୍ କିଛି ଜାଗାନେ ଦେଖ୍ମା ଯଦି ଦୋକାନ ବଜାର ନାଇଁନ, ହେ ଜାଗାନେ ଲୋକମାନେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ଇ ବାବଦନେ ଅଏତକା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ଖେଲ ଖେଲା ହେଉଛେ, ଟିକେ ବଛି ଯାଇଛେ କୋଭିଡ ରୋଗୀର ଜୀବନ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛେ। ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ ଭୀମସାରରେ କାମ କରୁଥିବା ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁମ୍ଭାର। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସେ କୋଭିଡ ହେଇକିନା ପହିଲା ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଅତକା ଗୁରୁତର ହେବାନୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନକେ ଗୋଟେ ରେମଡେସିଭିର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାରକେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସକାଳ ବଜେ ଦିଆଯାଇସି, ଆର୍ ସକାଳ ସମୟରେ ଥରେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ହେବାର ବାଦ ଫିଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେର ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାରକେ ନର୍ସ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନର୍ସକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ଲାଗି ମନା କରବାର ଭିତରେ ରାଗରୁଷା ହେଇଥିଲା ଆର୍ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟିକେ ଯାଇଛେ ତାଙ୍କର ଦିହିକେ। ଇ ଘଟଣା ବାବଦନେ ଜାଣବାର ବାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର୍ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ରାକଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ମାନେ କରୁଛନ୍, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଝୁଲିଛି, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନାଇଁ ଦେଇକରି ପଳେଇଲା,
तापर से कहूँ तुम गोटे लोक के पठाओ जदि से झील नहीं देखा मुझे 100 ml पठेदेवि तुम्हें तेल मिसेकर देदेव देखना आज्ञा गोटे 40,000 टकर इंजेक्शन सका देन मत एबे गोटे लोक नाई पाई करी मरुछन भावुन बोले मैंने केते खाम खेली सकाले गोटे डोज देलापर कण है मैंने इरेस्पोन्सिबिलिटी एटकी है से मैंने सेकेंड डोज देवा लगे आसी मोर माँ के मोर मार सागे सागे मोर मौसी भी मेडिकल जेहतु स्टाफ है बोले से जान जितके जानला कि सेकेंड डोज देने पेसेंटर डेथ हो जाए से जाकर सागे सांग इनस्टाटली जे नर्स देवा लगे आसा ड्यूटी थी तार हाथ धरी पकाल मना कला कि नहीं दि तो से आर्गुमेंट कला से नर्सटा मौसी सागे कि इंजेक्शन देवा कथा बोली कहले बोले जे मोर मौसी थी से कहला कि ऑलरेडी मॉर्निंग रे गोटे डोज दिहे आई दिया हुए बोल कर तो से नर्स फेर आर्गुमेंट कला कि नहीं इंजेक्शन मुझे दे सारी तापर जाने इनक्वारी कर बापार मलाधिके नाय छुईला पिला कोरोना संक्रमण थी बापांकर मरण हेथिबा लागि सबके नाय छुईला पिला शब्दाह करबार लागि मना करबार उतरु सेनर स्वेच्छासेवी माने सब सत्कार करथिले कोरोना समयाने हजी जाउछे मानवीकता एंता गुटे छाती थल्ला घटना बलांगीर जिला आगलपुर ब्लक नुनियापाली गाँ ने देखवार के मिलछे गाँव रंकमणि पुटेलकर दी खराब होता जेथिर लागि तांको आगलपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र के अना जाइथिला पॉजिटिव चिन्हट हेबार बाद डाक्टर तांको उसो देकिना क्वारेन्टाइन में रहबार के कहते किंतु गला काल संध्या ने तांकर मृत्यु होता मृत्यु बाद रंकमणिकर बड़ पिला से नथिबा बिलके सान पिला बापार मुह नाय देखला आर एंता गोटे घटना आसवार बाद चर्चा जोर धरछे दिनको दिन कोरोना बढ़भार के देखिकिना लॉकडाउन घोषणा करिछन राय सरकार बहु जिला ने दिनको 200 एतका पॉजिटिव बाहरुछन इथिलागि जिला प्रशासन आड़ू भिन्न भिन्न जगाने लोक मान के सचेतन करबार संगे मास्क लगाबार के कहा जाइछे पुलिस आड़ू अलग अलग जगाने सचेतन करा जाउछे मास्क चेकिंग भी कड़ाकड़ी होइछे अमानिया मान को सावाड़ करबार काजे सेमानकु मोटा पैसा भी निया जाउछे आज बाउंसुणी थाने बेफिकर होकर दुकान खोलीथिले जने तांकु धरा जाइए बांसुनी पुलिस जगाने पहुंची 4,000 टका जोरीमाना फिल आदाय करा तेज के स्थित अच्छे से जगाने से बाबद का सूचना दूसरे आम प्रतिनिधि सीताकांत सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोनपुर जिला शाखा आड़ सबुदिन सकाल काढ़ा बंटन करहर बसस्टाण थाने स्वयंसेवक मैंने दुकान आगाड़े भिन्न भिन्न आयुर्वेदिक सामान लेकिना काढ़ा बनाऊन कोरोना महामारी के पहराबार लगी शरीर ने एंता गोटे रोग प्रतिरोधक शक्ति बनबार कथा जेन लगी काढ़ा दि जाऊे काम लगी घर नु जल्दी बाहरी जाऊ लोक मैंने काढ़ा नाई पी पार्बार से लगी सामाजिक काम करुवा कहीन स्वयंसेवक संघ रोक मैंने सबुदिन शह शह लोक आसुचन आर काढ़ा पिछन इ बाबद ने आरएसएस सदस्य मान संगे कथा आम सोनपुर प्रतिनिधि देखु वर्तमान सारा विश्व में कोरोना पर हाहाकार एने विभिन्न राज्य तथा ओडिशा रे लॉकडाउन सटडाउन जारी रही लॉकडाउन समय रे अनेक लोक जरूरी काम जरूरी काम जा लोक सुवर्णपुर जिला शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तरफ रु काढ़ा बंटन कराक आयुष मंत्रालय स्वीकृतिप्राप्त काढ़ा तैयारी करा बंटन करा यही काढ़ा द्वारा इम्यूनिटी बुस्ट हवा बोली जहाँ कहते कर्मकर्ता मान तो सीधा सख आलोचना करने कौन रही काढ़ार महत्व कहीं कौन यहाँ बंटन करा कौन कह काढ़ाटा कौन बंटन कर प्रथम समस्त नमस्कार ये पेंडेमिक पीरियड कोविड मारे आम समस्त अस्तव्यस्त एवं टोटल यूनिवर्स अस्तव्यस्त तो आम आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वरे भी ए विपत्ति माने माँ भारती विपत्ति बेले जनसाधारण आगे सब बेले सेवा दे आसी गत कोविड टाइम रे यही कोविड टाइम मध्य द्वितीय पर्यायर देख सबु जगार स्वयंसेवक संघर समस्त कर्मकर्ता समस्ते प्लाज्मा डोनेट करुचन ब्लड डोनेट करुचन देख कोविड हॉस्पिटल कोविड केयर हॉस्पिटल 245 जगार सहर से चलीजे खाद्य बंटन होजे एवं आमर सोनपुर नगर मंडल रे
स्वयंसेवक संघर सुवर्णपुर जिला शाखा तरफ काढ़ा बंटन सबुदिन सका करा लॉकडाउन हबार पर्यंत लॉकडाउन सरवार पर्यंत एटा जारी रहा समस्त को धन्यवाद एवं मुई स्वयंसेवक संघर गोटे पार्ट से लगे मुई गर्वित नमस्कार कहते कार्यक्रम लॉकडाउन शेष पर्यंत जारी रहे कौन कह काढ़ कौन कौन दे कौन तैयारी कर आम ए गिलोई मुलेठी इलाची लवंग तेजपत्र गुड़ गुड़ हलदी एम बहुत दस बार प्रकार जिनस पड़ी तैयारी होटा कोरोना पे बहुत लाभदायक जहाँ कहते काढ़ा निश्चित भाव कोरोना बहुत लाभदायक कौन कह काढ़ा पीवा माध्यम कौन लाभ अच्छी एवं लोके कौन कहते आयुष मंत्रणालय इताके स्वीकृति देजे काढ़ा पीवार द्वारा आम इम्यूनिटी बुस्ट होजे जेहेतु कोरोना गोटे भूताणु जनित रोग से येन काढ़ा पीवार द्वारा बहुत तमें आम कोरोना रोगी भी ठीक होली आम शुणवाके पाऊ काढ़ा के प्रत्येक दिन सका बंटन करा छः रु सात निःशुल्क भाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तरफ इटा बंटन करा केवल काढ़ा नुहे आउ कौन कौन व्यवस्था कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तरफ काढ़ा छाड़ी आउ टिके परे जलपान व्यवस्था भी करा कराई जलपान रंधाई तारे जहाँ गरीब दुखी अच्छा टाउन रे पगल अच्छा समस्त को जाखे पहुँचे आम खाद्य दिहर दुईपर रंधा खाद्य भी दिहा लगातार सात आठ दिन हो आगको चलो आ दस दिन पर्यंत लॉकडाउन सरला पर्यंत जहाँ कहते केवल काढ़ा नुहे अनेक गरीब दुखी अच्छा जो मैंने खावाक पाँगा खावा खाद्य दिखाई और जो कोरोना योद्धा मैंने अच्छा जो मैंने जलपान कर पार्ना पाख को पहुँचा दि जाफिन पहुँचा दि जा कौन कह जो काढ़ा बंटन कर कौन रही उद्देश्य आज्ञा गत वर्ष ये आम राष्ट्रीय स्वयं सेवक वाले भी गला वर्ष काढ़ा बहुत मानने जेन मसे डेढ़ मस लकडाउन होता दिया करें मर्णिंग आसलापुर इन्हें डेली काढ़ा पीऊँ आर काढ़ा पीला द्वारा आम देह मैंने भल रोचे शरीर सुस्थ रोचे आर इम्यूनिटी पावर भी बढ़ुचे पुलिस चेकिंग बेले तीन अपराधी गिरफ बेलके दुई फेरार बलांगीर मुरीबाहल पुलिस बंगमुंडा और टीटलागड़ रास्ताने पेट्रोलिंग करुवा समय ने तीन जन अपराधी के धरी अपराधी माने होचन बंगमुंडार दुखीश्याम सराफ मुरीबाहल थाना भोईपड़ार बसंत सराफ आर ध्वज सराफ तेबे ताकठानु गोटे देशी पिस्तल जप्ती करा जाइछे नंबर नथिबार बाइक आर तीनटा मोबाइल फिल जप्ती करिछे मुरीबाहल पुलिस प्राथमिक तदंतनु सेमाने डकायत लागि जाउथबार जना पड़िछे आग्नो सेमाने बहुत मामला ने जुड़ी थिबार पुलिस कहिछे नय कंबार चाषीर दुख पंजीकरण बची जाऊछन बरगड़ 3616 चाषी टोकन मिलवा कि नाई से चिंता ने रहिछन चाषी बरगड़ जिला सदर महकुमा गुड़ेसिरार चाषी चिंता दिनक दिन बढ़तेल जाऊछे एबे भी लागि रहिछे अव्यवस्था आर एंता अव्यवस्था ने पड़ी रहिछन अंचल शताधिक चाषी निजर धान के बिक्री करबा लागि टोकन के अटकी बसिछन आर हेथि लागि गला 5 तारीख नु बरगड़ जिलार भिन भिन मार्केट यार्ड खुला होचे किंतु जेन चासिर धान अमल हे सारिचे सेमाने एब तक टोकन नाई पाई पारी ई विषय ने चासिर संगे कथा आइछन अमर बरगड़ प्रतिनिधि मनीष शर्मा बरगड़ जिले में चाषी समस्या दिनक दिन जटिल होबार लगी गोटे पटे कोरोना तो अंपटे काल बैशाखी एवं टोकन एवं पंजीकरण समस्या को नहीं चाषी एवं हैरान एवं हरकत में पड़ी आम आज आसी पहुँची बरगड़ जिलार गुड़ेसिरा मार्केट यार्ड में आम आम सहित किसी चाषी अच्छा आम सीधा सड़क आलोचना करवा मुझे आम कैमेरा पर्सन को कहे से देखे जो चाषी मैंने अच्छा ये मैंने ये आज आई जमा होती मैंने दीर्घ दिन आगर पंजीकरण पर कागज पत्र किंतु एपर्तंतर कागज पत्र कि टोकन आसी पारिना आम सीधा सड़क चाषी मान सहित आलोचना करवा आजा कौन कहे आपत दिन है पंजीकरण पर एप्लाय करपर्यंत जेहतु आपान अमल हो तो असुविधा कौन कौन होती आम पंजीकृत एपर्तंत होना 13 तारीख दिया सरला आम सोसाइटी कहले से कहते
सीएसओ ऑफिस को जातु सीएसओ ऑफिस वाले से कौन सी रिपोर्ट दौना और आम धान होगला आम कमी धान बिकबू और ये टोकन व्यवस्था उच्छेद करा आउ 12 13 दिन रे धान केमती बिकिबो का पाखरे गाड़ी अछि काई कोटी धान काटिबा गाड़ी नाही मिल वाले बस्ता देउ नांती ताकु टोकन ने से टोकन आछिला बेले तांको टैक्स चोरी जाउची बोले चाची केमती धान बिकिबे काला बैसाखी पुनी दाउ साजी जी निश्चित रूपे जहाँ शुणुले चाषी प्रतिक्रिया रखुले क्यों भाई भाव से समस्या सम्मुखीन होती आउ किसी चाषी होती प्रतिक्रिया रखा कौन कहे कि भाव में जो सरकार व्यवस्था करथर मैं रवि ऋतुर टोकन सिस्टम धान को किणा बिका को नहीं तो ये किपर भाव में चली भारी हैरान हरकत हो लोक लोक चाहते सुरखुरी भाव में बिके ये जो 15 दिन कर टोकन सिस्टमटा यहाँ जी बढ़ेब मसे कर ठीक सुविधा होता तापरे तो चाषी पाखे पैसा नहीं धान रखी कौटी मैं धान काटने असुविधा बस्ता ना बस्ता मिलर देवा कथा से मिलर भी बस्ता देनी ताक पैसा देवा पड़ी तापर आठ हरकत हो पकला भी से हैरान कर मैंने मार्केट रू धान उठेबापी निज गाड़ी उठेबे से भड़ाटा निजे देवे आउ मिलर को देवा कथा से पैसा कि मिलर देनी सारा चाषी निजे बिहार करजे हाथ रू पैसा देपर ट्रांसपोर्टिंग खर्चा भी दे से सब देलापर आ चाषी कौन पहुँचे एक ठीक कथा आज्ञा गुड़सरा मार्केट यार्ड में भित्तिमि थी धान एराभेल कहीं हबार भित्तिमि थी टोकन बोलिकी गोटे हाल करे चाषी धान भिजुचे खलान आनिक मार्केट यार्ड तो सोसाइटी 56 लाख टाँचा देकर गोडाउन बनइए सोसाइटी गोडाउन कहार स्वार्थ लगे बनाइए यहाँ पहला सर्वे कर बुझे आर से जगटा प्रकृत चाषी मानक हैंडओवर कर धान रखे सोसाइटी गोडाउन चाषी आपन कौन मना कर धान मंडी को आसिक धान रखापी हाँ हाँ जदि एराभेल ना एराभेल बंद टोकन ना एराभेल बंद हाँ तो कहीं सोटा करबू आज सोसाइटी आप गोडाउन बन दे धान रखबार लगे 56 लाख टाँचा खर्चा कर गोडाउन बन सोसाइटी आमर पैसा तो आम धान रखा तुमको मना करवा लगे किए मिलर्स मान हितर एवं दलाल मान हितर य प्रकार कम करेन कम करार विरोध होगा दरकार आपन टोकन समस्या कहते चाषी मैंने रेजिस्ट्रेसन करा बेले एप्लाय करते सीएसओ को पचारे कहे सीएसओ आम किसी करें आम देखु 3650 चाषी लिस्ट दे सोसाइटी ताकूटा कर सोसाइटी कहे कि सीएसओ अफिस् करमी तो मैंने मतरे से कादू फिंगा फिंगी होती है चाषी मानते पेड़ी हुई आउ सरकार को मुझे अनुरोध करमी आज सीएसओ अफिस् जी चाषी मैंने भी जी सीएसओ को भी कह चीफ सीएसओ को कह समस्या समान समाधान अति शीघ्र करूँ टोकन समस्या तो अच्छी टोकन समस्या उच्छेद करूँ ना आगामी दिन में चाषी सहित भारतीय जनता पार्टी सब समय अच्छी गत मान आगुरी भी था एवं भी अच्छी आम आज आसंता दिन में राजरास्त ओल्लवाई बाध्य हो निश्चित रूपे जहाँ शुणुते जो प्रतिक्रिया रखुते अग्नि बाबू जी जो चाषी समस्या रही समस्या समाधान करा न गले आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी एवं चाषी संगठन को मिलित अनुसार राजरास्ता को ओह्लैबे और एक विराट आंदोलन करेंगे। बरगढ़ रु मनीष शर्मा अर्गस न्यूज समय बुलेटिन के अनुरोध में जुहार।